अब अतीक अहमद तो पहले से जेल में था, आप जेल टू जेल इधर से उधर लेकर घुमा रहे हैं उसको, लेकिन बाकी के जो अपराधी, ये बेटा कहां गया इसका? सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा कैद हुआ है अतीक अहमद के बेटे का, लेकिन अभी तक फरार है, पुलिस के हाथ खाली हैं, फिर आप अपनी पीठ कैसे थपथपा सकते हैं? विशाल मिश्रा जी, चित्रा जी, ये आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि डर, अच्छी बात है, कम से कम पहली बार उत्तर प्रदेश के अपराधी डर तो रहे हैं। ये थॉट प्रोसेस में आना ही चित्रा जी बताता है कि किस किस प्रकार का सुशासन चल रहा है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, इससे पहले हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि कमजोर की मदद करते हैं, बहुत अच्छा, कमजोर की मदद करते हैं। 1996 में जब टिकट दिया था तो कमजोर का ही तो मदद कर रहे थे। अभी इन्होंने कहा ना चित्रा जी कि गवाह की हत्या क्यों नहीं हुई, हम सत्ता में रहते हुए सत्ता का धर्म निभाते हैं। बिल्कुल, आप सत्ता में रहते हुए सत्ता का धर्म निभाते हैं मान्यवर। आपने सवाल किया कि हमारी जब तक सरकार थी तब तक गवाह की हत्या क्यों नहीं हुई। अरे मैं कहता हूं, जब आपकी सरकार थी तो आपने सजा क्यों नहीं सुनवाई? चित्रा जी, अगर सजा सुनवा दी गई होती 2012 में वो छूटा था तो शायद आज ये हत्या भी ना होती। सवाल तो बनता है ना, सवाल तो बनता है ना कि आपके समय में किसी एक रुपए की संपत्ति जब्त की गई हो अपराधी की, बताइए पब्लिक को, पब्लिक डोमेन में बताइए आपने कितने अपराधियों पर बुलडोजर चलाया। और आज जब कार्रवाई हो रही है तो अपने आप बिल्कुल उस पार्टी नाम ही नहीं लेते कि हमने टिकट दिया था, बिल्कुल पल्ला झाड़ लेते हैं। अपराधियों को पुष्पिताप करें, पल्लवीताप करें, सत्ता धर्म आप निभाएं, कमजोर की आप मदद करें, कमजोर की ही तो मदद कर रहे थे। क्या अपराध की स्थिति थी चित्रा जी उत्तर प्रदेश में? आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध अपने दम तोड़ रहा है। हमारे माननीय आदरणीय डीजीपी साहब बैठे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, किस प्रकार से चीजें दिख रही हैं चित्रा जी। और न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। डर लग रहा है कम से कम। आज पूछिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सवाल तो लाजिमी है कि गवाह की हत्या तब क्यों नहीं? अरे मैं कहता हूं तो सजा क्यों नहीं दिलवाई? एक साल का जो अपराधी है, जो अतीक का बेटा है, फरार है, 5 लाख रुपए इनाम आप लोगों ने घोषित कर दिया है, गिरफ्त में कब आएगा? अभी दूसरे कार्यकाल में चित्रा जी 78 टॉप अधिकारियों पर कार्य जो है, टॉप अपराधियों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें से 16 अपराधियों को सजा दी गई है और उनके 31 गुर्गों को सजा दी गई है। टोटल मैं आपको बता दूं, बमबाजी की तस्वीरें प्रयागराज से अक्सर सामने आ रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक गाड़ी के ऊपर बमबाजी करके फरार हो गए सब। उसके पहले फरवरी के महीने में सरेआम इस तरह से दिन दहाड़े, मैं तो वहां पर जाकर देखी, जहां सुरक्षा घेरा हो, जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हो, अपराधियों के भीतर कहां डर है? चित्रा जी, अपराधियों पर डर आप बताइए, जो आंकड़े कहते हैं 12,513 पर गैंगस्टर लगा, 126 पर एनएसए लगा, ये लगातार डाटा है चित्रा जी, एनसीआरबी का डाटा है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश आज की डेट में चित्रा जी हत्या के मामले में खिसक कर 24वें नंबर पर गया, लूट के मामले में खिसक कर 25 नंबर पर गया, डकैती के मामले में खिसक कर 29 पर गया, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में आज वेस्ट बंगाल केरल से कहीं बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश है। जवाब दीजिए, ठीक है, वो पुरानी सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं और जब भी इसकी बात होती है तो सबसे ज्यादा आरोपों के घेरे में समाजवादी पार्टी आती है। अनुराग भदौरिया जी, बिल्कुल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाता है अब का, ये बात करते हैं तब की। ये भूल जाते हैं कि अपना दल जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, देखिए बूथ के साथ भी अपनी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, का नाता रहा है, उससे भी विधायक रहे हैं, हमें आपके बीच में नहीं पड़ा, ये गलत बात है चित्रा जी। चित्रा जी, इसको चुप कराइए, रहा था तो बताएंगे ना, वो चुप कराइए, गलत बात में बात करता हूं, बीच में बैठने का क्या मतलब, मैंने ये नहीं बोला था, क्या सुन लेते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को बुलाया तो मुझे मत बुलाइए, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला, अपना दल के साथ देखिए मैंने, हाँ सुनिए, अपना दल, दूसरी बात, अगर राजू पाल की हत्या हुई, बिल्कुल हुई, फिर उसकी पत्नी को सम्मान देने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। आज वो विधायक है, सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रही है, ये किसने काम किया है? सिर्फ समाजवादी काम कर सकती है। किसी की डेथ हो जाए उसके बाद उसकी पत्नी को टिकट दे देना, ये सम्मान होता है क्या? अगर मेरी बात सुनो, अरे किसी की मदद कर तब तक इसको सम्मान की श्रेणी में अनुराग भदौरिया जी आप ही रख सकते हैं। अरे सजा सुन लीजिए, किसने कहा सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैं कहता हूं समाज के अंदर में कोई अपराधी नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला कि बनारस से आप स्टार्ट कीजिए, गाजियाबाद तक जितने अपराधी उनकी लिस्ट बनाइए, उन पे कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन ये नाम एक दो गिनाएंगे, 1-2-3 तक जाएंगे, उसके बाद इनका गला चोक हो जाएगा, उसके बाद आवाज नहीं निकलेगी, चोक हो जाता है, क्योंकि इनको डर लगने लगता है कि कहीं मेरे अपनों का नाम आवाज आएगा।
तो फिर ये उस पे हमारा आपका ध्यान भटकाने के लिए बार बार पहले तो जिसका नाम लेने तक वही नाम लेते रहेंगे जैसे घिसावा रिकॉर्ड नहीं हो जाता लिया जा रहा है। पहले जो सांसद रहते हैं मैं कह रहा हूं नाम लो और वो तस्वीरें भी आप दिखा सकते हैं कि मिलेगी फायरिंग के सांसद रहते हुए डर और दहशत का क्या आलम था। प्रयागराज इलाहाबाद के लोग अपनी जुबान तक नहीं खोलते थे। काम चलेगा आज वहीं पर कोर्ट में अगर उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है तो माहौल बदला है ना अनुराग भदौरिया जी। बात है आपको मुझसे अरे विपक्ष से आपको अभी सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का समय है तो आप विपक्ष से पूछ रही हैं तो आप भी तो अपना धर्म निभाइए ना। हम अपना विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं तो आप अपना धर्म निभा रही हैं। जब मैं बोलने लगता हूं तो आप बोलना शुरू कर देते हैं मुझे तो बोलने दीजिए। सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं आप सुन लेती बात, मैं बोलने लगता हूं तो आप बीच में बोलने लगे। यही दिक्कत है। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से नहीं सुन लीजिए मैं आपको जवाब ही दे रहा हूं, जवाब ही तो दे रहा हूं। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, हमेशा सामाजिक न्याय की बात करती है। अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम कब कहते हैं सजा नहीं मिलनी चाहिए और सजा देने वाला न्यायपालिका है इस हिंदुस्तान में, संविधान से काम होगा। हाँ, इसी तो हम इसकी तो बात करते हैं। हाँ, लेकिन हम इनसे पूछते हैं कि सारे अपराधियों का नाम दे दीजिए, सारे अपराधियों पर कार्रवाई कीजिए, पूरा समाज साफ कर दीजिए। हम भी सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित है, पूरा समाज सुरक्षित रहे। हम तो पूरे समाज को सुरक्षित करना चाहते हैं। हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम सिलेक्टिव राजनीति नहीं करना चाहते। ये सिलेक्टिव राजनीति करना चाहते हैं, ये माहौल बनाना चाहते हैं सभी अपराधियों पे, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। अगर अपराधी है तो अपराधी है, कार्रवाई पूरी करनी चाहिए।